हर हर महादेव। हाउ टू बुक ऑफलाइन वीआईपी पूजा इन केदारनाथ धाम। अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं और वहां पर वीआईपी पूजा की बुकिंग करना चाहते हैं तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से है। आज मैं आपको केदारनाथ धाम में ऑफलाइन वीआईपी पूजा बुक करने की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, केदारनाथ धाम में अगर आपको गर्भगृह के अंदर जाना है और तसल्ली से पूजा करनी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको वहां वीआईपी पूजा बुक करनी होगी, क्योंकि अब वहां इतनी ज़्यादा भीड़ होती है जिसकी वजह से गर्भगृह में जाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मान लिया आप गर्भगृह में चले भी गए तो फिर आपको वहाँ तसल्ली से पूजा नहीं हो पाती, तो ऐसे में फिर आप वीआईपी पूजा बुक करिए, आप वहाँ एक दिन स्टे करिए और फिर अगले दिन मॉर्निंग में वहाँ गर्भगृह में जाके पूजा बुक करिए। वैसे तो देखिए, जो वीआईपी पूजा है उसे आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आपको मेरे चैनल पे आना है, आपको केवल यहाँ वीआईपी पूजा सर्च करना है। वीआईपी पूजा सर्च करते ही आपके सामने मेरे वीडियो आ जाएंगे जिसे मैंने वीआईपी पूजा की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दे रखी। आप चाहें तो ऑनलाइन भी पूजा बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन सारी पूजा अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरह की पूजा कराना चाहते हैं, क्योंकि जो भोलेनाथ हैं उनकी अलग अलग तरह की पूजा होती है। तो इस सब पूजा की जानकारी आपको ऑनलाइन मिल तो जाएगी, लेकिन आप उसकी बुकिंग ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। पहले मैं आपको ऑनलाइन वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन की बुकिंग कर सकते हैं सब। तो यहाँ मैं सीधा ऑनलाइन पूजा बुकिंग पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं केदारनाथ धाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप देखिए, आपको यहाँ काफ़ी सारी पूजा दिखाई देगी, लेकिन ये सारी की सारी पूजा की बुकिंग नहीं हो पाती। और जो पूजा की बुकिंग होती है मॉर्निंग पूजा की बुकिंग होती है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी पूजा होती है जिसकी बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती, उसके लिए आपको ऑफलाइन ऑफिस जाके ही बुकिंग करना होगा। तो पहले तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर आपको केदारनाथ धाम में किस किस तरह की पूजा देखने को मिलती है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑफिस आपको कहाँ दिखाई देगा। यहाँ तक कि मैंने एक फ़ोटो खींच रखा है श्री केदारनाथ जी की विभिन्न पूजाओं की दरें। ये बोर्ड वहाँ ऑफिशियल लगा हुआ है। यहाँ देखिए, आपको सभी तरह की पूजा मिल जाएगी। महाभिषेक जिसकी पूजा दर है 8,500 रुपये, ये है 5 मेंबर के लिए। अगर आप एक्स्ट्रा मेंबर इसमें ऐड करते तो इसमें फिर आपको 1,700 रुपये देने होंगे। इसके अलावा रुद्राभिषेक भी है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं। तो देखिए, उसका जो प्राइस दे रखा है इन्होंने 6,500 रुपये, और अगर आप एक्स्ट्रा मेंबर उसमें ऐड करेंगे तो उसमें आपको 1,300 रुपये देने होंगे। इसके अलावा देखिए, लघु रुद्राभिषेक है। बाकी ये वाली जो पूजा है, ये वाली देखिए मॉर्निंग की पूजा है जो कि आप ऑनलाइन करते हैं। इसके अलावा प्रातःकालीन पूजा है। काफ़ी सारी देखिए पूजा यहाँ दे रखी, आप इसका फ़ोटो खींच के रख सकते हैं, या फिर जब आप वहाँ जाएंगे वहाँ जाके भी आपको ये बोर्ड दिखाई देगा और इसी के अनुसार आप अपनी पूजा की बुकिंग वहाँ जाके ऑफिस से कर सकते हैं। बात आते हैं कि आखिर क्या आप इनकी पूजा की बुकिंग वहाँ जाके कर सकते हैं। यस, आप पूजा की बुकिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो देखिए, दिन भर की पूजा 26,000 रुपये, आप पूरे दिन गर्भगृह के अंदर बैठे रहिए, पूजा करते रहिए। समाधि पूजा भी है, दैनिक हवन भी है, काफ़ी सारे देखिए यहाँ इन्होंने पूजा दे रखे हैं। सारी की सारी पूजा की बुकिंग आप वहीं जाके कर सकते हैं। प्रातःकालीन पूजा, प्रातःकालीन पूजा का भी देखिए इन्होंने यहाँ 850 रुपये दे रखा है। ये सब पूजा की बुकिंग आप ऑन द स्पॉट जाके केदारनाथ धाम में कर सकते हैं। अब बात आता है कि आखिर ये ऑफिस है कहाँ, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, पहले मैं आपको फ्रंट दिखा रहा हूँ, ये फ्रंट है, और आप देखेंगे ये जो मंदिर है, मंदिर के जस्ट इधर आपको देखिए ऑफिस दिखाई देगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, विशेष पूजा कर लिए, और जो मैंने फोटो खींच रखा वो इस साइड में, मैं आपको पीछे की साइड से भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए मंदिर के पीछे है, और ये देखिए विशेष पूजा कर लिए, यहीं से पूजा की बुकिंग होती है। और कुछ इस तरह का देखिए कार्यालय बना हुआ है, यहीं पे लोग खड़े होते हैं और फिर पूजा की बुकिंग करते हैं। तो आप वहाँ ऑफलाइन जाके भी पूजा की बुकिंग कर सकते हैं। काफ़ी लोग मुझसे सवाल पूछते थे कि क्या सर वहाँ जाके पूजा की बुकिंग हो सकती है। यस, आप वहाँ जाके ऑफलाइन पूजा की बुकिंग कर सकते हैं। वहाँ आपको काफ़ी सारे पूजा के विकल्प मिल जाते हैं। ऑनलाइन तो देखिए सारे विकल्प अवेलेबल नहीं होते, लेकिन जो देखिए लंबे टाइम की पूजा होती है, अगर मान लिया अभी मई जून है तो जो लंबे टाइम की पूजा है वहाँ फिलहाल बंद हो रखी है,
बट जैसे जैसे भीड़ कम होती जाती है, जो जो मैंने आपको पूजा के नाम दिखाए हैं, सारी की सारी पूजा की बुकिंग आप वहाँ जाके ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। वहाँ आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा जो ये पता करना चाहते थे कि आखिर ऑफलाइन पूजा की बुकिंग किस तरह की जाती है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो देखिए स्क्रीन पे नंबर आपको दिखाई दे रहा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।